बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको टेबलर और डिस्क्रिप्टिव में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती थी? सेट बिल्डर फॉर्म जिनको हम सिंबॉलिकली हम सेट को रिप्रेजेंट करें, सिंबल्स के जरिए से रिप्रेजेंट करें। तो बनाते हैं हम, सबसे पहला सेट है आपके पास ए, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 5 और 6। पहले तो आप कोई वेरिएबल के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर लो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर x शो कर रहा हूँ, x सच दैट x, यानी कि x कोई वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x बिलोंग्स टू। अब उसने बोला मैं रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसके बाद वेयर, अब आपने बताना है कि ये 5 और 6 के दरमियान है, तो आपका जो नंबर है वो 5 और 6 के दरमियान है। और इसके लिए फिर आप क्या करोगे, 5 के बाद और 6 से पहले आपके पास रैशनल नंबर जो भी होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, 5 और 6 के दरमियान रैशनल नंबर्स होंगे। अच्छा, x सच दैट x बिलोंग्स टू q, ये आपके पास बता रहा है कि कौन से सेट से बिलोंग करता है वो नंबर, और ये आपको बता रहा है रेंज कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं, बी इज इक्वल टू, अब इसको भी मैं x से ही रिप्रेजेंट करता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब ये आपके पास सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव हैं, तो ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। या तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर ही है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तरतीब से नहीं है, 1, 2, 3, 4, इसके बाद आता है 5, 6, फिर 7, 8, ये 7, 8 गायब हुआ हुआ है। तो ये आपके पास इन सारे नंबर्स में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, क्योंकि ये सारे ये नंबर 12 के फैक्टर हैं। 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12, और 6 के टेबल में भी 12, और 12 अपने टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि 12 के फैक्टर्स सारे के सारे इस सेट में लिखे हुए हैं। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो फैक्टर यूज़ हो रहे हैं वो हम लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आपके पास है सी सेट है, सी सेट में पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव भी है। तो जब पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो आप बताते हैं एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर है ये। और इसके बाद आगे बताएं 40 तक है, यानी कि -40 से लेकर +40 तक ये आपके पास नंबर मौजूद हैं। तो आप रेंज कैसे बनाएंगे कि -40 भी है और -40 से बड़े नंबर भी हैं, और +40 भी है और +40 से छोटे नंबर भी हैं। तो आप इक्वल का साइन भी नीचे लगाएंगे, ताकि जो ना बताएंगे -40 से स्टार्ट हुआ और +40 पे ख़त्म हुआ। ये ऐसे नहीं लिख के दिया हुआ, -40 सबसे छोटा नंबर है और +40 इस सेट के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास नंबर है डी इज इक्वल टू, ये आपको सारे नंबर कौन से नज़र आ रहे हैं, इवन नंबर नज़र आ रहे हैं। तो इवन नंबर आपने लिखना है यहाँ पर, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में आते हैं। और फिर इसके बाद आप बताएंगे -4 से शुरू हुए, +4 पे ख़त्म। तो आप रेंज कैसे बनाएंगे, इस तरीके से कुछ बनाएंगे कि -4 से बड़े भी और -4 भी, और +4 से बड़े भी छोटे भी और +4 भी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं, e इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16 और 25, ये सारे के सारे नंबर आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन ये है कि ये पहले 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। पहला नंबर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। दूसरा नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। नेक्स्ट पे जाते हैं, एफ पे, एफ सेट आपके पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स आपको पता है कि इंटीजर में आते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटीजर, और ये ऑड नंबर्स हैं। तो आप नेगेटिव ऑड नंबर हैं, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये ऑल नेगेटिव ऑड नंबर्स, ठीक है जी, ये आपके पास नेगेटिव ऑड नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर ओ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका था कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव या टेबुलर फॉर्म में सेट दिए जाएँ तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है।
तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।